हमारे शहर के झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए खास तरह की योजना चला रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है। ये योजना ठीका हाट बाजार क्लिनिक योजना की तरह है। आखिर शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से हो रहा है गरीबों को फायदा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। नजारा राजधानी रायपुर की निचली बस्तियों का है, उस इलाके का है जिसे अंग्रेजी में स्लम एरिया कहा जाता है। इसी इलाके में ये स्वास्थ्य विभाग की ये टीम जो आपको दिखाई दे रही है ये बेहद खास है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण योजना के तहत प्रदेश के सभी शहरों में काम कर रही है। इस योजना के तहत हर स्लम एरिया में मेडिकल टीम पहुँच रही है, उसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। दरअसल राज्य सरकार ने ग्रामीणों के लिए जिस तरह से हाट बाजार क्लिनिक योजना को शुरू किया है, उसी तरह से शहर में रहने वाले गरीबों के लिए शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। ये योजना प्रदेश के 13 नगर निगमों के स्लम क्षेत्रों में संचालित है। योजना के तहत सप्ताह में एक दिन सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक स्लम क्षेत्रों में मेडिकल टीम मौजूद रहती है। गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सार्वभौम पीडीएस सामान्य श्रेणी राशन कार्ड के वितरण, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय की शुरुआत आज गांधी जयंती के अवसर पर किया गया। शहरी स्लम क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं की कमी होती है, अतः उनमें रहने वालों के स्वास्थ्य में इसका असर परिलक्षित होता है। उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चलित चिकित्सा इकाइयों का गठन किया गया है एवं स्लम में ये समस्त स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम क्षेत्रों में चलित चिकित्सा दल का गठन कर स्लम में निवास करने वाले लोगों को प्रत्येक सप्ताह पूर्व से निर्धारित एक निश्चित दिवस एवं स्थान में प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जांच तथा इलाज की सुविधा प्रदान किया जाएगा। चलित चिकित्सा दल में एक चिकित्सक, एक एएनएम, एक फार्मासिस्ट एवं एक लैब टेक्नीशियन होंगे, जो कि शहरों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन कमिश्नर एवं शहरी कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मितानिनों के साथ समन्वय कर अति आवश्यक क्षेत्र में चलित चिकित्सा दल के लिए चयनित स्थानों पर कैंप आयोजित कर निःशुल्क सलाह एवं उपचार जैसे ANC एंटीनेटल चेकअप, PNC मलेरिया, अन्य रक्त जांच, टीकाकरण, समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करेंगे। चलित चिकित्सा दल के द्वारा किए जाने वाले कैंप की पूर्व जानकारी संबंधित क्षेत्र में जन समुदाय, मितानिन, ANM, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि को माह के प्रारंभ में दे दिया जाएगा। राज्य शासन की इस योजना से अधिक जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है। 13 नगर निगमों में ये योजना अभी संचालित है। प्रदेश के सभी शहरों में योजना का विस्तार जारी है। शहर के स्लम क्षेत्रों में मेडिकल टीम पहुँचती है। मेडिकल टीम सप्ताह में एक बार शिविर आयोजित करती है। टीम में सभी तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहते हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं। इलाज के साथ साथ लोगों को निशुल्क दवाइयां भी दी जा रही है। योजना शुरू होने से अब तक 3000 से अधिक शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। 2,00,000 से अधिक लोग योजना से हो चुके हैं लाभान्वित। 1,000 से अधिक शहरी स्लम इलाके में काम कर रही है मेडिकल टीम। इसी तरह से अगर आपको बताएं तो बीते 4 महीनों में कुल 8,723 लोगों की मलेरिया जांच की गई है। स्लम क्षेत्रों में आयोजित शिविरों में 49,517 लोगों के उच्च रक्तचाप, 29,042 लोगों की मधुमेह, 16,617 लोगों की रक्त अल्पता, 3,851 लोगों की नेत्र विकार, 351 लोगों की टीबी, 391 लोगों की कुष्ठ और 1,753 लोगों की HIV जांच की गई है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में नगर निगम वाले 13 शहरों में सरकारी और निजी अस्पतालों में अस्थि रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग, शिशु रोग, दंत रोग, मधुमेह,
कान नाक गला कैंसर व न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ तथा एमडी मेडिसिन की निशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। स्लम क्षेत्रों में आयोजित शिविरों में मलेरिया एचआईवी मधुमेह एनीमिया टीबी कुष्ठ उच्च रक्तचाप नेत्र विकार व गर्भवती महिलाओं की जांच के साथ बच्चों का टीकाकरण भी किया जा रहा है।